नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। ये भी मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, वर्क फ्रॉम होम पीरियड में। इन दिनों कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते सोशल मीडिया में बहुत वाइडली एक गीत सर्कुलेट हुआ है। फिल्म थी फिर सुबह होगी और गाना था वो सुबह कभी तो आएगी। तो सुबह तो आएगी, जब सुबह आएगी तो जो कुछ अभी दबा हुआ है वो एक तरह से पूरे तरह से दोबारा उभर के आ जाएगी। तो क्या कुछ आएगा? सबसे पहले तो हमारे सोशल स्पेस में अभी जो पार्टी पॉलिटिक्स दबा हुआ है वो पूरी तरह से हावी हो जाएगा। राजनीति में एक पार्टी दूसरे पार्टी रस्साकसी चालू हो जाएगी और फिर से चुनाव होंगे। चुनाव के दौरान वही वोकैबुलरी दोबारा इस्तेमाल की जाएगी जो हमेशा से होती आई है। ऐसे इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 एड्रेस टू द नेशन किए हैं और एक जो उन्होंने मन की बात रेडियो में अपना टॉक शो रिकॉर्ड किया है, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से एपॉलिटिकल थे, लेकिन बहुत ही सटल तरीके से उन्होंने अपनी पूरी राजनीति को लोगों तक पहुंचा दिया। पॉलिटिकल मैसेजिंग के वो मास्टर हैं, ये उन्होंने दोबारा दिखा दिया और ये भी बता दिया चाहे कितनों चीजों में उलझे हुए हों, उनकी नजर, उनकी जो बुनियादी जो परस्यूट है वो है पार्टी पॉलिटिक्स, सत्ता की राजनीति, सत्ता हासिल करना और गद्दी में बने रहने की जो उनकी जो ख्वाहिश है उसको वो कभी अबैंडन नहीं करते। तो जैसा मैं कह रहा था कि फिर सुबह होगी, फिर नॉर्मल सी आएगी, फिर वही राजनीति होगी और फिर वही चुनाव होंगे, तो फिर पार्टियां सब सामने आ जाएंगी। तो उसका मतलब है कि हम लोग अभी जो जूझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो कल में जो कुछ होने वाला है उससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। आम समय में अगर अभी कोरोना वायरस महामारी हर जगह नहीं छाई हुई होती तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने स्थापना दिवस को बहुत धूमधाम से मना रहे होते। हम लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम लोगों को चूंकि अल्टीमेटली जाके फिर नॉर्मलसी आएगी और चुनाव होंगे, तो हमको बीजेपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये पार्टी जो है 40 साल में जो एक तरह से इसमें बहुत लंबे समय तक बिल्कुल साइड में पेरिफेरल फोर्स के तौर पे थी, अब इस तरह से कैसे और किस तरीके से इतनी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। भारतीय राजनीति में एजेंडा जो है करीब 25-30 सालों से यही पार्टी सेट कर रही है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा, हमको उस पीरियड में जाना पड़ेगा जब बीजेपी का गठन हुआ था। ऐसा नहीं कि बीजेपी का गठन 1980 में हुआ और जिन नेताओं ने उसको फाउंड किया, जिसको एस्टैब्लिश किया, कि वो लोग राजनीति में नए उतरे थे, कि जैसे नए पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे थे। बीजेपी के प्रीवियस अवतार पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जो 1950-51-52 उस पीरियड से एक्टिव थी, वो एक तरह से संघ परिवार से जुड़ी हुई थी। तो हम भी कह सकते हैं कि बीजेपी भले ही 1980 में गठित हुई हो, लेकिन उनके लोग, उनकी विचारधारा बहुत पुरानी थी, करीब 50 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब अप्रैल 1980 में जनता पार्टी जैसे टूट रही थी और उसमें से अल्टीमेटली 1980 के चुनाव के बाद जनता पार्टी में जो कुछ बचा हुआ था उसमें जनसंघ के लोग अलग निकल के अपनी एक नई पार्टी बनाई, तो उन्होंने जनसंघ से बिल्कुल नाता एक तरह से तोड़ दिया कि उस जनसंघ की लेगेसी को अबैंडन करके जय प्रकाश नारायण की जो लेगेसी थी उसको उन्होंने अपना लिया।
इसके पीछे मूल कारण यह था कि जनता पार्टी जब कोलैप्स हुई थी 1979 और 80 में, उसमें डुअल मेंबरशिप आइडेंटिटी को लेके बहुत बहस थी। ये कि जनता पार्टी के जो मेंबर हैं, खासतौर से वो जो जनसंघ से जुड़े हुए हैं, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के साथ कंप्लीटली नाता तोड़ना पड़ेगा। ये जनसंघ के लोगों को, जो जनसंघ फैक्शन के जो लोग थे जनता पार्टी में, उनको मंजूर नहीं थी, और इसकी वजह से डिफरेंसेस हुए। चरण सिंह पार्टी छोड़ के चले गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो जब अप्रैल 1980 में पार्टी का गठन हुआ, बीजेपी का गठन हुआ, तो उस समय तय किया गया कि इसको कंप्लीटली जनसंघ से डीलिंक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जनसंघ से डीलिंक करते हुए सबसे पहला जो काम किया वो ये कि डिक्लेयर किया कि उनकी जो पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो गांधीयन सोशलिज्म या गांधीवादी समाजवाद होगा। गांधीयन सोशलिज्म किसी पार्टी की इकोनॉमिक फिलॉसफी या प्रोग्राम तो हो सकता है, लेकिन आइडियोलॉजी के तौर पर ये बहुत कंफ्यूजिंग लगा लोगों को। बीजेपी के अंदर से भी जो बहुत पुराने कई सारे दिग्गज नेता थे, जैसे राजमाता विजय राजे सिंधिया, उन लोगों ने कहा भाई ऐसे करने से तो हम लोग कांग्रेस की कार्बन कॉपी बन जाएंगे, तो हमारा अलग अस्तित्व कहां रहेगा, हम आगे हमारी भविष्य क्या रहेगी। खैर, वाजपेयी और अडवाणी हावी हुए, उनके बहुत समर्थक थे, इसी वजह से पार्टी ने एक अलग लाइन ले ली और एक तरीके से एक रीमॉडल किया जनसंघ को। बीजेपी ने यह भी तय किया कि आरएसएस के साथ जो औपचारिक ऑफिशियल एक रिलेशनशिप होता था आरएसएस और जनसंघ के समय में, कि रेगुलरली समन्वय समिति या कोऑर्डिनेशन कमिटी की मीटिंग्स होती थी, इनको इन्होंने करना बंद कर दिया, इस प्रोसेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। नए बीजेपी में बहुत ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ परिवार के बाहर के नेताओं को लाया गया और उनको बहुत प्रमुख रोल दिया गया। उनमें से एक बहुत बड़े नेता थे सिकंदर बख्त, जो पहले कांग्रेस में होते थे और बाद में कांग्रेस ओ यानी कि मोरारजी देसाई के साथ इंदिरा गांधी से अलग हो गए थे। सिकंदर बख्त वो नेता थे जिन्होंने 1950 के दशक में एक हिंदू महिला से शादी की थी और उस शादी के विरोध में हिंदू महासभा ने दिल्ली में बहुत नारेबाजी और आंदोलन की थी। तो एक तरह से सिकंदर बख्त का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट बहुत सिंबॉलिक था कि बिल्कुल एक तरह से जो कम्युनल फोर्सेस जो थे उसके उससे बिल्कुल नाता तोड़ के एक नए नेता को जिनके खिलाफ विरोध हुआ था हिंदू महासभा की तरफ से, उनको एक इंपॉर्टेंट पोजिशन दी जा रही थी। इसी तरह से और बहुत से और नेता भी आए थे नए बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने अपने 5 साल में कुछ खास हासिल नहीं किया, बस एक छोटी सी ऑपोजिशन पार्टी बन के रह गई। ऐसे भी वो वक्त था जब हिंदुस्तान में बहुत राजनीतिक टर्बुलेंस हो रहा था, पंजाब में काफी कुछ चहल पहल हो रही थी, लेकिन उसमें ऑपोजिशन के लिए स्पेस तो मिल रहा था, लेकिन बीजेपी ने या भाजपा ने अपने लिए कोई स्पेस नहीं बना पाई। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 का जो चुनाव हुआ उसमें एक तरह से बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो गया। पूरे लोकसभा के चुनावों में सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीती। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से बहुत बुरी तरह से पराजित हुए। उनको डिफीट करने वाले कैंडिडेट थे माधव राव सिंधिया। बीजेपी में आज सबसे जो लेटेस्ट एंट्रेंट हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके वो पिता थे। राजनीति में वाकई पता नहीं चलता है कि कब कौन कहां चला जाएगा। ऐसे माधव राव भी जनसंघ से ही शुरुआत की थी और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ पार्टी में उनके पार्टी में शामिल हो गए थे। बीजेपी का सबसे जो मेजर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपोनेंशियल जो एक्सपेंशन कह सकते हैं हम लोग, वो एक तरह से 1980 के दशक के आखिरी सालों में हुआ। 1989 के लोकसभा के नवे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के 2 सीट से बढ़कर 85 हो गए। 1991 में जब दोबारा से लोकसभा चुनाव हुए वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारें गिर जाने के बाद, तो बीजेपी ने 120 सीटें जीती।
उनको ऑफिशियली ऑपोजिशन पार्टी डिक्लेयर किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने और उन्होंने बहुत गर्व के साथ ऐलान किया, बीजेपी इज नाउ द गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो कैसे हुआ बीजेपी का ये ड्रामेटिक एक्सपेंशन, किस तरह से एक बिल्कुल पेरिफेरल पार्टी इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर कुछ ही सालों में उभर के आ गई। दरअसल इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि 1984 के उतनी भयानक पराजय के बाद बीजेपी के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले तो बीजेपी ने एक 12 सदस्य वाली एक कमिटी एस्टैब्लिश की, वरिष्ठ नेता थे किशन लाल शर्मा उनके अंडर, स्टडी करिए जाके क्या कारण थे। तो उसमें ये कहा गया कि बीजेपी को अगर एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाना है तो उसके लिए उसको अपने आइडियोलॉजिकल रूट्स में जाना पड़ेगा। उसका मतलब है कहीं ना कहीं फिर से जनसंघ की तरफ जाना या उसको रिकास्ट करना। तो उसको करने के लिए कई सारे चीजें हुई साइमल्टेनियसली। 1986 में एक तो लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए अटल बिहारी वाजपेयी के स्टेप डाउन करने के बाद। दूसरी बात, पार्टी ने यह ऐलान किया कि गांधीयन सोशलिज्म उनका ऑफिशियल फिलॉसफी नहीं रहेगा, बल्कि दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकात्म मानववाद वो हो जाएगा उनका ऑफिशियल फिलॉसफी या आइडियोलॉजी। उसके साथ ये भी तय किया गया कि जो समन्वय समिति की जो बैठकें होती थी उसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। तीसरी जो बात तय की गई वो ये कि जो सिस्टम था कि जनसंघ में आरएसएस से प्रचारक लेके आके उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन देना, मैं आपको याद बता देना चाहता हूँ कि जो जनसंघ के जो सारे जो प्रमुख नेता थे वो कभी ना कभी आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे या लाल कृष्ण आडवाणी या दीनदयाल उपाध्याय या बहुत सारे लोग, तो प्रचारक भी बीजेपी में आने लगे। 1987 में जो पहला ग्रुप प्रचारकों का बीजेपी में आया था उसमें एक बहुत प्रमुख नाम था नरेंद्र मोदी। तब से मोदी जी जो है बीजेपी में ही काम करते रहे हैं। पहले वो गुजरात में काम करते थे, फिर उनको गुजरात से बाहर भेजा गया, उसके बाद वहां गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गए और फिर 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए। जो लेट 1980s का जो पीरियड है ये वो भी पीरियड है जिस समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की राजनीति का काफी सपोर्ट। इसके पीछे मूल कारण है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेके जो आंदोलन शुरू किया गया जिसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और बाद में बीजेपी शामिल हुई इसमें, इसकी जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ी। 1984 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 89 के चुनाव आते आते बहुत इसका सपोर्ट बढ़ गया था। इसी वजह से बीजेपी का इतना इम्पोर्टेंट, इतना ड्रामेटिक राइज हुआ। हमको ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी की लड़ाई के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ये बात अलग है कि आज़ादी की लड़ाई के उद्देश्य अलग थे, लोगों को जोड़ा था, राम मंदिर का जो मुद्दा था इसने लोगों को विभाजित किया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ऑफिशियली अयोध्या का जो डिमांड है वो 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में जब उनका नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी तब एक रेजोल्यूशन पास करके उसको फॉर्मली अपने एजेंडा में लेके आए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं को पता था कि उनका एक सिंबॉलिक जो जिसको यूज करते थे एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड वो खत्म हो गया। उनको ये भी पता था कि अभी तक वक्त नहीं आया है उस वक्त के हिंदुस्तान में जब पॉलिटिकल सेंटर स्टेज में राइट विंग से एंट्री हो सकती है। 1992
1996 के चुनाव के पहले इसी वजह से लीडरशिप की गद्दी दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी को सौंप दी गई और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी। 13 दिन के लिए उन्होंने सरकार बनाई लेकिन उनको कोई समर्थन नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने 96 के एक्सपीरियंस के बाद ये तय किया कि उनको अपनी छवि को सुधारना पड़ेगा, उसको मॉडरेट करना पड़ेगा। 96 और 98 के बीच में बीजेपी ने कोशिश करके नए अलायंसेस जुटाए, नए पार्टीज को अपने साथ शामिल किया और 98 में फाइनली एक कोलिशन सरकार बना पाई। 6 साल तक राज किए वो लोग। उसी समय में जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड थे वो बैकसीट पे थे। आरएसएस के सरसंचालक उस समय राजेंद्र सिंह, जिनको प्यार से रज्जू भैया भी कहा जाता था, उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि ये जो बीजेपी के जो 3 मुख्य जो मुद्दे हैं, राम मंदिर, आर्टिकल 370 इसको एब्रोगेट करना और यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करना, क्या इनको बीजेपी ने छोड़ दिया है? उनका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत नाटकीय तरीके से उन्होंने कहा कि भाई जब बुखार होता है तो मरीज नहाता नहीं है, जब बुखार ठीक हो जाता है तो फिर नहाता है, ऐसा तो नहीं कि कभी नहीं नहाएगा। तो मतलब दरवाजे खुली हुई थी, मजबूरी थी कि ना राम मंदिर, ना आर्टिकल 370 को हटाने की बात और ना ही यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने की बात एक कोलिशन सरकार में हो सकती थी। इसीलिए 6 साल तक राज किए, बुखार उतरा नहीं। 2004 के हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को पूछा गया था, आपकी पार्टी क्यों हारी, आपने तो बोला कि इंडिया शाइन कर रही थी। तो उन्होंने कहा गुजरात उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, गुजरात में पार्टी की लाइन सही नहीं थी, शायद पार्टी के कई नेताओं ने नहाने की कुछ ज्यादा जल्दी दिखा दी थी और वो जनता को पसंद नहीं आई थी। 2014 के जीत के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरी तरह से हिंदुत्ववादी राजनीति को अपना लिया है। अब हर नेता तैयार बैठा हुआ है, बुखार उतर गया है, हमाम या फिर किसी स्नान घर में जाके नहाने के लिए, मौका कुछ भी हो, चाहे जाफराबाद में आंदोलन हो या फिर तबलीगी जमात का एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई इस तरह की मीटिंग हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा आज हिंदुस्तान का सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है और नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे पॉपुलर नेता हैं। पार्टी और उनके नेता यहां तक कैसे पहुंचे, एक हिंदू सेंस ऑफ एंग्जाइटी और पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग को प्रैक्टिस करके हमको ये बहुत समझना होगा कि उनकी राजनीति के पीछे क्या जादू रहा। कोरोना वायरस आज नहीं तो कल कंट्रोल हो जाएगा और फिर से नॉर्मलसी वापस आ जाएगी, राजनीति जैसे पहले चलती थी उसी तरह से चलती रहेगी। जिनकी जिंदगियां उजड़ गई हैं, जिनकी जिंदगियां पूरी तरह से उजड़ गई हैं, वो फिर उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो फिर से वोटरों की लाइन में खड़े होंगे बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए। बीजेपी का 40वां स्थापना दिवस हर एक के लिए अवसर है उस पार्टी को समझने के लिए। किसी का विरोध तभी किया जा सकता है जब हम उसके बारे में कुछ समझें, उसके बारे में कुछ पढ़ें। पार्टी के नेता क्या सोचे वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा जरूरी है ये समझना हम लोगों के लिए कि किस तरह से इस पार्टी और इस पार्टी के नेताओं ने हिंदुस्तानियों के इतने बड़े समूह की सोच को कैसे बदल दिया, बुखार से कैसे मुक्ति पाई।